हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अनफिल्टर्ड प्री। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो को लाइक करने के लिए वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना होगा। आज हम बात करने वाले हैं बाबू भैया के बारे में, उर्फ UK07 राइडर। वैसे तो बिग बॉस में मैं सबकी ऑलमोस्ट गेम समझ चुकी हूँ, मतलब सबकी पर्सनैलिटी दिख के आ रही है। बस एक ही बंदा है जिसकी पर्सनैलिटी अभी तक मुझे नहीं समझ में आ रही, वो है हमारे बाबू भैया। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और देखते हैं अब कौन सा नया मीम उनके नाम पर बना हुआ है। सो जस्ट गिव मी अ मोमेंट। सो हियर वी गो। आना बेटा, वहाँ पर कैसा है तू? मेरी तरफ से सब लोगों को, वहाँ के परिवार को शुभकामनाएं। पापा भी यहाँ पर नहीं है, पर ये कि जब भी इंटरनेट पर वीडियो आती है तो वो देख के वो लोग खुश हो जाते हैं। वहाँ पर लोग कुछ बोलते हैं कि लोग माँ का नाम से जाना जाता है, पर हम लोग बोलते हैं कि आज बच्चे के नाम से माँ का नाम रोशन होता है। ये आपको बता दिए, आपको प्यार छा जाते हैं। कल 15 दिन के लिए बाहर जाना था तो मैं बोलती आ ही जाएगा, पर कौन रहेगा जी? यार मतलब कोई कैसा भी बंदा हो, बट जब आपके पेरेंट्स आपके सामने हो ना तो इमोशनल आप हो ही जाते हो। एंड यू वोंट बिलीव गाइस, मुझे गूज़बम्स आ गए। आई कैन शो यू एज वेल। सो या बहुत ज़्यादा इमोशनल था मोमेंट। उसकी मम्मा बहुत ही ज़्यादा स्वीट है। एलेक्सा, बाबू भैया गाना बजाओ। स्पॉटिफाई से हार्दिक संधू का गाना जोकर। भाई साहब, एक्चुअली मैं इस गाने का ब्रांड एम्बेसडर बना दो बाबू भैया को। ये ऐसा लगा, ये गाना तो बना ही उनके लिए है। बर्नर लगा लिया भाई, इतने तरीके। रुको, अभी हाथ पे वो क्रीम लगा तो लगा ले। चले गया क्रीम सब चलेगा। एक मुक्का मार के दीवार तोड़ दो भाई। ओ तेरा मुक्का मार के दीवार तोड़ दो। तू धरती पे तोड़ दो भाई। तू घर लेकर के आ जाओ। तू करता है, तेरे में तो उतना भी नहीं है। सुखी ढांचा है स्केलेटन है। तेरे वजन से तो ज्यादा तेरे बालों का झुट्टा यूं गिर जाएगा धरती पे। हो गया उगड़े। मतलब क्यों बाबू भैया, आप क्यों मौके देते हो कि कोई आपको ऐसे जवाब दे? मुझे तो यही चीज समझ में नहीं आ रही है इनकी। अनुराग से माफी मांगता हूं मैं, वो यहाँ पे भूखे रहने नहीं आए हैं और उनको यहाँ पे भूखा रहना पड़ रहा है, तो क्या बोलूं? सॉरी अनुराग। बाबू भाई, आपके लिए मैसेज आया। यार सलमान सर, पहली चीज तो किसी को जब भी कुछ बोलते नहीं, और जब बोलते हैं तो कोई मौका नहीं छोड़ते। और व्हेन इट कम्स टू बाबू भैया तो ऐसा लगता है कि वो मतलब अगर उन्हें कोई स्क्रिप्ट भी ना दी गई हो ना कुछ ना भी बोलो तो भी इंस्टेंटली वो बना लेंगे। इतने कलरफुल कपड़े क्यों पहने यार? रंगीन माहौल है। आज सुबह पूल में भी गए थे तो रंगीन माहौल था वहाँ भी। रंगीन माहौल है जी, मतलब तो कुछ नाच वाच देखने की ख्वाहिश है क्या आपकी? तो फिर अनुराग बाबा नाचे। This was epic यार, बिग बॉस 5 चिंटू से कर रहे हैं और कहीं से भी हो, बट अगर आपको जो क्रैक करना है तो इजी टारगेट मुझे लगता है वो बाबू भैया बन चुके आज की तारीख में। और सबसे बड़ी गलत चीज ये है कि आप वैलिडेशन किससे ढूंढ रही हो, जिसके पास खुद के पास कोई वैलिडेशन नहीं है, जिसका खुद का कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, किसके साथ बैठ। क्या लग रहा है आपको, किसके बारे में बात की जा रही है? क्यों नाम लो सब बाबू भैया। कुछ है ही नहीं बोलने के लिए, मतलब कुछ भी नहीं बचा है बोलने के लिए। इतनी ज्यादा बेइज्जती जो हो रही है इनकी, मैं अब क्या ही बोलूं। मैं बोल सकता हूँ सर? हाँ बोलिए सर। मुझे ऐसा लगता है कि इस घर में ना, मैं आपको बताता हूँ कि जो माहौल चल रहा है इस घर में, एक चूली खोर की जरूरत थी जो आप आ गए हो। साज हूँ मैं खुद से ही नाराज हूँ मैं। यार आई कैन नॉट फील दैट बिकॉज कि हाँ माना, बट ऐसा मुझे कभी कभी ऐसा लगता है वो जब जब बोलने की भी कोशिश करते हैं ना, वो कुछ ऐसा बोल देता है, उसके पॉइंट शायद भले ही वैलिड होंगे उनके दिमाग में होते, बट वो जब जबान में लेकर आते हैं तो नहीं होता।
और जिस तरीके से वो अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहे हैं टिल डेट, आई एम नॉट श्योर कि वो कितना आगे जाएंगे। कि आजकल अगर मैं इंटरनेट पे ऐसे बकरा टाइप करता हूँ तो अनुराग आपका फेस आ जाता है, लेकिन थोड़ा सा क्लोज आता है और गर्दन का बकरा आ जाता है। लेकिन मेरे को आप, मुझे आप बड़े क्यूट लगते हैं, सच में कहूँ मैं, क्योंकि जब आपका नेक लो होता है ना तो ऐसे लगता है कंगारू की मम्मी हो आपका बच्चा बाहर। बस पूरी दुनिया तो ले ही रही थी इनके, मुझे अब खाली हर्ष और भारती का ही बाकी था। वैसे आई लव हर, जिस तरीके से भारती ने बताया कंगारू का बच्चा लग रहा था। एंड आप लोगों को पता है कि बाबू भैया जैसा डांस कोई भी नहीं कर सकता, तो एक स्टेप तो बनता है एकदम फुल पावर। एक डांस ऑफ कर लेते, चलो आ जाओ। वो जोक था कैटरीना इंटरनेशनल डांस। अरे तो इंटरनेशनल डांस ही किया है इसने। चिंटू सॉरी आई मीन समर जो है इतना अच्छा डांस करते हुए भी मेरी नजर उन पर नहीं गई, मैं सिर्फ बाबू भैया को देख रही थी। एंड आई एम प्रीटी मच श्योर जो उन्होंने वो लेट के डांस करा ना, तो उतने पोर्शन की सफाई तो हो चुकी होगी। एंड टॉप ऑफ दैट जिस तरीके से कैटरीना ने बोला दैट आई थॉट ही इज एन इंटरनेशनल डांसर, वो तो एपिक था भाई। बाबू भैया बाबू भैया, जो माहौल चल रहा है इस घर में, एक चूली खोर की जरूरत थी जो आप आ गए हो। पर सारी उम्र में झोंक के इसको हमेशा बोलती हूँ कि तू अपना एक स्टैंड लिया कर। सर मैं अपना स्टैंड बना रहा, अपने लिए लूंगा ना। अरे तुमसे तुम्हारा बाइक का स्टैंड नहीं लगता यार। सारी उम्र में झोंक के एक्चुअली में ये दम के कमरे में रहने के लिए नहीं बने भाई, उनको निकालना ही बहुत सही डिसीजन है। स्पेशली अनुराग, अनुराग इज एन इंटरनेशनल डांसर, ही कैन नॉट डांस लाइक द वे दीस गाइस डांस। लेकिन एक सेकंड once more पहले चीज तो ये गाना ऋतिक रोशन सर का है, और वो जिस तरीके का डांस कहते हैं वी ऑल नोस। एंड अगर उन्होंने ये बाबू भैया को करते हुए देखा होगा इस गाने पे, तो मुझे नहीं पता कि उनका क्या ही रिएक्शन होगा। वेल इसी के साथ ये थे कुछ बाबू भैया उर्फ यूके 07 राइडर के मीम्स जो कि बिग बॉस में हम देख रहे हैं। स्टार्टिंग में उनके मम्मा का जो पार्ट था वो काफी ज्यादा इमोशनल था। All I can say is कि apart from keeping his jokes या फिर उनका जो fun बन रहा है Big Boss में, best thing which I like about बाबू भैया is कि वो जिस तरीके से हर चीज़ को एक sportsmanship की तरह लेते हैं, and he never hesitate और he never keep his side aside कि मुझे कौन कैसे judge करेगा क्या करेगा, जो है बोल रहा है भले मजाक बन रहा है जो भी है, तो वो अच्छी बात है। and I just want कि वो थोड़ा सा और प्रॉपरली और मेच्योरली खेले गेम को गेम की तरीके से। बट फ्रॉम दैट आई हैव एंजॉयड दिस वीडियो, और अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, डोंट ट्रबल योर नेबर एंड बाय फॉर नाउ, डू सब्सक्राइब माय चैनल।